नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सदियों का औपनिवेशिक शासन भारतीयों की लोकतांत्रिक चेतना को दबा नहीं सका। लोकतांत्रिक देशों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। बेटियों ने दी मुखाग्नि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। अफगानिस्तान में फंसे 110 हिंदू सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और अफगानियों को लेकर काबुल से विशेष विमान कल दिल्ली पहुंचा। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब सहित कई धार्मिक ग्रंथ भी लाए गए। दूरदर्शन आज से डीडी उत्तर प्रदेश पर भोजपुरी भाषा में कई कार्यक्रम शुरू करेगा। अमरीका, कनाडा और ब्रिटेन ने मानवाधिकार हनन के विरोध में चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया के लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। भारत के जेरेमी लालरेनोंगा ने ताशकंद में भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और दिव्यांग सिंह पवार ने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता के सीनियर और जूनियर दोनों वर्ग के खिताब जीते। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवली निगम। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया तीन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और ये किसानों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन ये दशकों तक पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि चार दशक से अधूरी पड़ी ये परियोजना चार वर्ष में पूरी हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना पर तेज गति से काम किया गया। एक रिपोर्ट। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत पांच नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन को नहरों के माध्यम से जोड़ा गया है। इस परियोजना पर कुल लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए आई है, जिसमें से लगभग आधी रकम पिछले चार वर्षों में केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई है। इस परियोजना के शुरू हो जाने से 14 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी और लगभग 6,200 गांवों के 29 लाख किसानों को फायदा होगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले लाभान्वित होंगे। ये जिले हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर और महाराजगंज। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना बहराइच जिले में सरयू बैराज से शुरू होती है। इसकी मुख्य नहर की लंबाई 318 किलोमीटर है, जिससे 6,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई की कई छोटी नहरें आकर जुड़ती हैं। ये परियोजना उन 99 परियोजनाओं में से है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने के लिए चुना है। ये परियोजना जल संकट का सामना कर रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर आई है। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकतांत्रिक तौर तरीकों और संबंधित व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसमें समावेश, पारदर्शिता और मानवीय गौरव को और बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में ही नागरिकों की आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं और मानवीयता का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत इन मूल्यों को बढ़ावा देने के कार्य में सभी लोकतांत्रिक देशों के प्रयासों में भागीदार बनने के लिए तैयार है। श्री मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में आयोजित लोकतंत्र के लिए शिखर बैठक को कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदियों के औपनिवेशिक शासन भारतीयों की लोकतांत्रिक चेतनाओं को कभी दबा नहीं सकता। श्री मोदी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता से भारतीयों में फिर से लोकतांत्रिक चेतना जागी है, जिससे पिछले 75 वर्षों में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण की ये गाथा सर्वोपरि रही है। सेंचुरीज ऑफ कॉलोनियल रूल कुड नॉट सप्रेस द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ द इंडियन पीपल। इट अगेन फाउंड फुल एक्सप्रेशन विद इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड लेड टू an unparalleled story in democratic nation building over the last 75 years। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की गाथा ने विश्व को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि लोकतंत्र लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर सकता है, और उसने ऐसा कर दिखाया है और ऐसा आगे भी जारी रहेगा। उनका कहना था कि बहुदलीय चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। The India story has one clear message to the world that democracy can deliver, that democracy has delivered, and that democracy will continue to deliver. The structural features like multi-party elections, independent judiciary, and free media are important instruments of democracy. However, the basic strength of democracy is the spirit and ethos that lie within our citizens and our societies। देश के प्रथम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का कल पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ नई दिल्ली के बरार स्क्वायर के शवदाह में अंतिम संस्कार किया गया। 17 तोपों की सलामी देने के साथ ही जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। बिपिन रावत की दोनों पुत्रियों कृतिका और तारिणी ने उन्हें मुखाग्नि दी। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी IMA की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। वर्ष 2021 के दौरान 387 कैडेट आज पास आउट परेड करके भारतीय सेना के अंग बन जाएंगे। इनमें 10 देशों के 68 विदेशी प्रशिक्षु भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने कल रात IMA में लाइट एंड साउंड शो देखा। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति कल शाम देहरादून पहुंचे थे। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक करीब 132 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल टीके के 68 लाख से अधिक खुराक दी गई। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध करा रही है। प्रतिरक्षण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह और टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह कोविड से बचाव के लिए बूस्टर डोज के सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने कल लोकसभा में कहा कि 60 से अधिक देश कोविड के बूस्टर डोज लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने बूस्टर डोज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई को अनुमति दे दी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वशांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष की प्रमुख झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज की इस कड़ी में हम देशभर में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता के लिए सरकारी तंत्र की सक्रियता पर नजर डाल रहे हैं। पिछले वर्ष मार्च में लॉकडाउन की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। सरकार ने राज्यों से भी अपील की कि वे इस चुनौती से निपटने में पंचायतों और ग्रामीण स्थानीय निकायों का सहयोग लें और उन्हें बीमारी की गंभीरता के प्रति संजीदा बनाएं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
भारत एक विशाल देश है और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जागरूकता फैलाना आसान काम नहीं है। कोविड एक अप्रत्याशित बीमारी है और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी था। केंद्र सरकार ने कोविड से बचाव के लिए पिछले साल अक्टूबर में जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान होर्डिंग, वॉल पेंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद से जन आंदोलन का संदेश देश भर में पहुंचाया गया। जन जागरूकता के लिए कॉलर ट्यून भी अमल में लाई गई। कोविड स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के संदेश को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। लोगों को जागरूक करने में मीडिया ने भी अहम योगदान दिया। सरकार के संदेश को मीडिया ने देश के हर गांव और शहर तक पहुंचाया। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। बम्बई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के निर्णायक प्राधिकरण को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनकी पत्नी आरती की संपत्तियों का अस्थायी रूप से जब्त करने से संबंधित अंतिम आदेश पारित करने की अनुमति दे दी है, लेकिन न्यायालय ने प्राधिकरण से 10 जनवरी तक बल प्रयोग की कार्यवाही न करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और माधव जामदार की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को आरती देशमुख की याचिका पर जवाब देने को कहा है। आरती देशमुख ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही को चुनौती दी है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर की गई टिप्पणी के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में बिना शर्त माफी मांगी है। समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने अपनी याचिका में कहा था कि नवाब मलिक ने न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और मिलिंद जाधव की पीठ के समक्ष दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन किया है। श्री मलिक ने पीठ को लिखित आश्वासन दिया था कि वे ध्यानदेव वानखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे उनकी मानहानि होती हो। श्री मलिक ने कहा कि उनका इरादा श्री वानखेड़े के परिवार की अवमानना या अदालत के आदेश का उल्लंघन करना नहीं था। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सदियों का औपनिवेशिक शासन भारतीयों की लोकतांत्रिक चेतना को दबा नहीं सका, लोकतांत्रिक देशों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, बेटियों ने दी मुखाग्नि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। अफगानिस्तान में फंसे 110 हिंदू सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और अफगानियों को लेकर काबुल से विशेष विमान कल दिल्ली पहुंचा। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब सहित कई धार्मिक ग्रंथ भी लाए गए। दूरदर्शन आज से डीडी उत्तर प्रदेश पर भोजपुरी भाषा में कई कार्यक्रम शुरू करेगा। अमरीका, कनाडा और ब्रिटेन ने मानवाधिकार हनन के विरोध में चीन, म्यांमा और उत्तर कोरिया के लोगों तथा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। भारत के जेरेमी लालरिनुंगा ने ताशकंद में भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और दिव्यांश सिंह पवार ने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता के सीनियर और जूनियर दोनों वर्ग के खिताब जीते। अफगानिस्तान में फंसे 110 लोगों को लेकर एक विशेष विमान कल काबुल से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा। भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत विशेष काम एयर फ्लाइट की व्यवस्था की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस उड़ान से अफगानिस्तान में हिंदू सिख अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों सहित 10 भारतीयों और 94 अफगानियों को लाया गया। सुरक्षित आने वालों में 3 शिशुओं सहित 9 बच्चे भी हैं। इस विशेष उड़ान से सिख समुदाय का एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारों से 3 पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी लेकर आए। इस उड़ान से रामायण, महाभारत तथा भगवद गीता सहित हिंदू धर्म के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को भी लाया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हवाई अड्डे से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए। काबुल से रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए सुरक्षित आने वालों ने उनकी सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
आज ऐसी खुशकिस्मत है कि लगभग 3 महीनों के इंतजार तो बाद आज ऐसी काबुल तो दिल्ली ले उड़ान भर रहे हैं। आज फसे भारतीयों के नाल हिंदू और सिख धर्म नाल संबंधित एक नागरिकता नु एयरलिफ्ट किया जा रहा है। असि अफगानिस्तान तो 3 पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और आसम आई मंदिर काबुल के पुरातन हिंदू ग्रंथ पुस्तक भी लेके आ रहे हैं। भारत पिछले सारे अफगान सिख गुरुद्वारा मंदिर कमेटियां सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अमरीका ने चीन, म्यांमा और उत्तर कोरिया के कई लोगों और कंपनियों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमरीका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीन की कंपनी सेंसटाइम ग्रुप को भी निवेश की दृष्टि से प्रतिबंधित कर दिया है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य संबंधित लोगों की आवाजाही को सीमित करना और कंपनियों को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से दूर रखना है। कनाडा और ब्रिटेन ने भी म्यांमा में मानवाधिकार हनन को देखते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल मानवाधिकार दिवस पर उत्तर कोरिया और म्यांमा की सैन्य इकाइयों पर प्रतिबंध बढ़ाने की घोषणा की। दूरदर्शन आज से भोजपुरी भाषा में कई कार्यक्रम शुरू करेगा। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में प्रमुखता से बोली जाती है। इन कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय परंपराओं, कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों के लोग भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम शुरू करने की मांग पूरी होने के बाद काफी उत्साहित हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि आज से भोजपुरी भाषा में प्रतिदिन 1 घंटे का कार्यक्रम डीडी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र से सुबह 11 से 11:30 बजे तक और रात में 8 बजे से 8:30 बजे तक उपलब्ध रहेगा। हम सभी खातिर बड़ा खुशी के दिन बांटे। 11 दिसंबर से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रहुआ सभी आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के ता सब केहू कालबा ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनाई आ आपन क्षेत्र के थाती पर आपन सामाजिक आ सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक तमिल कविता के प्रणेता सुब्रमण्य भारती को याद करते हैं, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके गीतों और रचनाओं ने देशभक्ति का डंका बजा दिया था। उन्होंने महिलाओं और तथाकथित पिछड़ी जातियों की मुक्ति की दिशा में भी काम किया। भारतीयार महिलाओं के अधिकारों के हिमायती थे और उनका मानना था कि महिलाएं संस्कृति की संरक्षक हैं और उन्हें समाज का नेतृत्व करना चाहिए। भारतीयार के शब्दों में सिस्टर निवेदिता ने उन्हें राष्ट्र की सच्ची सेवा का अर्थ सिखाया। बारदियार ने सम्मान स्वरूप अपने राष्ट्रीय गीतों का पहला खंड उन्हें समर्पित किया था। बारदियार ने राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर लिखा। उनके द्वारा रचित गीत और कविताएं दुनिया भर के तमिल कलाकारों की साहित्यिक और संगीतमय रचनाओं की सूची में शामिल हैं। उन्होंने आधुनिक रिक्त पद्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया और कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें शामिल हैं कन्नन पाट्ट, पांचाली सबदम और कोयल पाट्ट।
அஞ்சி அஞ்சி சாவா இவர் அஞ்சாத பொருளில்லை அவனியிலே அஞ்சி அஞ்சி சாவா இவர் அஞ்சாத பொருளில் इंडिया पोस्ट ने 1960 में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। आकाशवाणी इस महान राष्ट्रवादी और कवि को सलाम करता है। पिंजरे के पंछी रे टूट गई है माला कोई लाख करे चतुरा। आज हम राष्ट्र कवि प्रदीप को भी याद कर रहे हैं जिनकी मृत्यु 11 दिसंबर 1998 को हुई थी। मध्य प्रदेश के बड़नगर में 6 फरवरी 1915 को जन्मे रामचंद्र द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में कविता लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया था। अपने गृह राज्य में अनूठी शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के बाद उन्हें बॉम्बे में एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें बॉम्बे टॉकीज के हिमांशु रॉय ने अपनी पहली फिल्म कंगन के गीत लिखने की पेशकश की। उनकी अगली फिल्म 1940 में प्रदर्शित बंधन थी, जिसमें प्रदीप ने सभी गीत लिखे। इनमें सबसे उल्लेखनीय गीत चल चल रे नौजवान था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण मोड़ पर जोश की लहर पैदा की। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, कहना मेरा मान मान, चल रे नौजवान। बाद में 1943 में फिल्म किस्मत के उनके गीत ने देशभक्ति की भावना का संचार किया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। गांधी जी ने जब 42 में क्विट इंडिया का स्लोगन दिया कि करो या मरो, तो हम एक पिक्चर बना रहे थे किस्मत में। मैंने एक गाना लिखा तो मैंने कहा दुनिया वालों को तो रहने दो, लेकिन दूसरे स्टेंजा के अंदर कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुमने किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी, और फिर आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। कवि प्रदीप उन गिने चुने देशभक्तों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले देश के बारे में सोचा। उनके गीत ए मेरे वतन के लोगों के मनोबल बढ़ाने वाले शब्दों ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद राष्ट्र को सांत्वना दी। कवि प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों गीत की अपनी आजीवन रॉयल्टी शहीद जवानों की विधवाओं के लिए दान दे दी। हम इस देशभक्त कवि को नमन करते हैं जिनके गीत आज भी हर भारतीय में राष्ट्र प्रेम का जोश भर देते हैं। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है, हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1-44-04 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के जेरेमी लालरेंगा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। 19 वर्षीय जेरेमी ने कल ताशकंद में स्नैच और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में कुल 305 किलोग्राम भार उठाकर पदक अपने नाम किया। जेरेमी वर्ष 2018 में युवा ओलंपिक के भी स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। कल उन्होंने स्नैच स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया।
निशानेबाजी में विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी दिव्यांग सिंह पंवार ने कल भोपाल में 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर और सीनियर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सीनियर वर्ग के क्वालिफिकेशन राउंड में 630.3 अंक के साथ शीर्ष पर रहने के बाद दिव्यांश ने महाराष्ट्र के रुद्रांश पाटिल पर 0.7 अंक की बढ़त बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। हृदय हजारिका ने शाहू तुषार को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हल्का कोहरा रहा। मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और जम्मू में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। गुवाहाटी, आइजोल, शिलांग, इम्फाल और अगरतला में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। और प्रियंका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की कल हुई अंतिम विदाई को सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, आखिरी सलाम उमड़े जज्बात। अमर उजाला लिखता है, महायोद्धा का महाप्रयाण। नवभारत टाइम्स ने इन मार्मिक शब्दों को पहली खबर बनाया है कि आंसुओं की कतार में शौर्य को विदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिखर सम्मेलन में ये कहना कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेंगे, जनसत्ता में प्रमुखता से है। पत्र लिखता है कि अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लोकतंत्र पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में भारत सहित 110 देश हिस्सा ले रहे हैं। लोकसत्य लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतंत्र की भावना हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग। अफगानिस्तान से 10 भारतीयों सहित 110 लोगों को एक विशेष विमान द्वारा दिल्ली लाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने सुर्खी दी है, ऑपरेशन देवी शक्ति, अपनों की रक्षा। आज से होगी किसानों की घर वापसी, लिखता है अमर उजाला। पत्र लिखता है, सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान दिन भर तंबू उखाड़ने और सामान समेटने में लगे रहे। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने और ये कहने कि राजधानी में प्रदूषण पर पाबंदियों से छूट मिलेगी, हिंदुस्तान की खबर है। हालांकि कुछ अखबारों ने लिखा है कि दिल्ली की हवा फिर हुई खराब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सदियों का औपनिवेशिक शासन भारतीयों की लोकतांत्रिक चेतना को दबा नहीं सका। लोकतांत्रिक देशों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, बेटियों ने दी मुखाग्नि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। अफगानिस्तान में फंसे 110 हिंदू सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और अफगानियों को लेकर काबुल से विशेष विमान कल दिल्ली पहुंचा। पवित्र गुरुग्रंथ साहिब सहित कई धार्मिक ग्रंथ भी लाए गए। दूरदर्शन आज से डीडी उत्तर प्रदेश पर भोजपुरी भाषा में कई कार्यक्रम शुरू करेगा। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन ने मानवाधिकार हनन के विरोध में चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया के लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।